आप मुझे कह रही है मैं जाऊं इधर से। हाँ जाओ इधर से। सुंदर सी यार मुझे इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मुश्किल में आपका भाई फंस गया आज। एंट्रेंस लॉबी में ना पहले ये वेटिंग एरिया वगैरह नहीं बना होता, अब इन्होंने वेटिंग एरिया वगैरह भी बना दिए इधर। हाँ भाई साहब। गाइस सुबह सुबह का टाइम है, वैसे इतनी भी सुबह का टाइम नहीं है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। सुंदर ने जाना है अपने घर, उसको थोड़ा सामान सामान मैं पूरा करके दे रहा था, जा रही है तकरीबन 200 सालों के लिए। शेख साहब भी इधर कहीं पे जा रहे हैं यार। कसम से अपनी गाड़ी का हाल देखें यार, आपने क्या बनाया हुआ है। कसम से किसी वक्त तो दुलवा लिया करें। ये तुम दुलवा के लाया करो ना। अगर मैं ये गाड़ियां अगर दुलवाने लगा, चार गाड़ियां दुलवाते दुलवाते मैं तो जिंदगी में और कोई काम नहीं करना, मैं बस रोज जाके आप लोगों की गाड़ियां दुलवाता रहूं। अपनी और मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी पकड़ लो, पापा अपनी करवा लेंगे। यार गाइस मामा से कह देता हूं आज इफ्तारी में कोई चीज मजे की बना दे। मामा आज इफ्तारी में क्या बना रही है? आज तो पड़े हुए कल वाले बैंगन। भाई मामा ना करें यार, कसम से मामा ना करें। कसम से जिस दिन सुंदर नहीं होती या सनम नहीं होती ना, आप कसम से कोई मजे की चीज नहीं बनाती मेरे लिए। आपने बाकी बैंगन चाहिए? मैं तो बड़ी तंग हूँ तुमसे, तुमने तो कुछ खाना ही नहीं होता, तो फिर मैं क्या बनाऊँ? कुछ तो खाता ही हूँ ना मामा, इस तरह ना किया करे ना। चिकन भी तुम नहीं खाते, सब्जी भी नहीं खाते, कीमा भी नहीं खाते। तुम यूँ करो तो जब नए घर जाएंगे ना तो फिर तुम मुझे बना के खिलाना करना, मैं तो खुद तंग आ गई। मतलब आप मुझे कह रही है मैं जाऊँ इधर से? हाँ जाओ इधर से। जाट और जाती है। ये तो घर से बाहर निकाल रही है मुझे। हाँ तो यही बात हो गई ना, हमें भी तंग करके रख छोड़ा। किसी घर में होता है इस तरह के लोग इतना खाने पे तंग करें? यार गाइस बैंगन पे इतनी पड़ी है, बैठे बैठे तुम्हें खाने के लिए मिल जाता है तो तुम अपने नखरे शुरू हो गए। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ओदा मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। लाइफ बीती कभी नहीं होगी, बात कोई नहीं है इसमें। रोज मैं तंग आ जाती हूँ खाना बना के, तुम्हें पसंद ही कुछ नहीं आता। तो मैं उस घर में तो अभी जा भी नहीं सीधी बात है सकता ना, उधर तो काम इतना चल रहा है, तो वो तो जब तो जाएंगे तब की बात है। उम्र से खा रहे हो तो 2 महीने और खा लो, फिर उधर जाके फिर मुझे बना देना। मैं जा रहा हूँ अपने उधर अपार्टमेंट में, मैं उधर जाऊंगा ना मैं अपने अपार्टमेंट में। किसी दिन आप लोगों की ऐसी इफ्तारी करूंगा ना, आप लोगों को लग पता जाएगा इफ्तारी कोई चीज होती है। किसी दिन नहीं करोगे, रोज करोगे। रोज क्या मतलब? रोज हमने खाना नहीं खाना, तो हम लोग रोज उधर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ इधर। कोई समझने की बात नहीं, आज जाओ, आज अपना काम करो, आज बैंगन खाओ। मैं नहीं खा रहा बैंगन। गाइस मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के, मैं आपको किधर ले जाऊँ? तो खुद खाने जाओगे, मुझे भी ले जाना। खाने नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए। मैं भी इधर से घर कसम से, खाने कोई मेरी मर्जी के बनते ही नहीं है। सुन ले मेरी बात, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। नहीं आप नहीं जाएंगी, आप नहीं, आप नहीं जाएंगी। मैं जा रहा हूँ गाइस अपने अपार्टमेंट में, मैं किसी दिन आप लोगों की ऐसी इफ्तारी करूँगा। नहीं करोगे, रोज करोगे। रोज किस तरह करूंगा, पहले उसमें अपार्टमेंट में बैठने की भी जगह नहीं है मेरे पास। आराम जमीन पे बैठ जाएंगे यार। मामा जाए, आप अपना जाए, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। बैंगन नहीं खाओगे आज तुम? बैंगन नहीं खाऊंगा आज मैं, खिलाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगा बैंगन यार। गाइस बड़ी बेइज्जती हो गई, इस नोट पे स्टार्ट करता हूँ मैं आज का व्लॉग, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। 12 सेकंड्स लेटर। जाए ना, आप क्यों नहीं जा रही? जाए आप। मैं कल आऊंगा ही नहीं भाई साहब इधर, मैं तो कल अपने उधर हूँगा अपार्टमेंट के अंदर। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगी। आप उधर नहीं होंगी, आप इधर होंगी, मैं उधर अकेला जा रहा हूँ। गाइस सुंदर जा रही है अपने घर, हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में। सुंदर को बता दूं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो वापसी भी उस तरफ है, इधर ना। सुंदर यार मुझे इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? चुप हो जा सातवीं फेल। मजाक से गुजरा, कसम से यार मुझे सीरियस बता रहे हो, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तुमने किस तरह निकाला? तुम तो खुद ही छोड़ के आ रही हो ना, तुम तो अपने घर जा रही हो। तुमने जिस वक्त वापस आना हुआ ना तो तुम उधर आना, घर से तो मैंने जाने का कह दिया, लेकिन तुम लोगों को पता है उधर अपार्टमेंट में कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो तुम लोगों को पहले मैंने बताया था नए घर के लिए ना मैंने एक दफा ये बेड लेके रखा हुआ था कि कहीं मुझे सेल पे मिल गया था, मैंने कहा किसी भी बेडरूम में डाल देंगे। इन भाई साहब को अब उधर अपार्टमेंट में पहुंचाते हैं, साथ में कोई मैट्रेस वगैरह खरीद लेते हैं। एक लास्ट राशन बॉक्स रह गया, ये प्लॉट वाले चौकीदार को देना था, ये बस गाड़ी में रख लेता हूं। इफ्तारी का तो मैंने कह दिया इन्हें कि मैं किसी दिन आप लोगों को उधर करवाता हूं अपने अपार्टमेंट के अंदर, लेकिन यार उधर तुम लोगों को पता है ना डाइनिंग टेबल है ना सोफे, और ईद में भी थोड़े दिन रह गए, मतलब हम किसी से जाके ऑर्डर भी कर दे तो इतनी जल्दी मिलने नहीं हमें। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मुश्किल में आपका भाई फंस गया आज। ये मेरी मामा ने मुझे घर से बाहर निकाला। अब तौबा करेंगे। क्या किया आपने, क्या किया आपने? चलो यार पहले दुकान पे जा रहा हूँ ना, उधर बैठ के हिसाब लगाता हूँ उधर अपार्टमेंट के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए। पापा गए जिधर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फारिग हो जाए ना, इन्हें भी बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या आज। मामा ने कहा कुछ अच्छा खाना है ना तो जाओ उधर अपार्टमेंट में, खुद भी अच्छा बनाओ तो हमें भी खिलाओ। फिर जाओ फिर उधर ही रहो यशी मारो। काम यार इधर अपने खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं मैट्रेस लेने। यार इसकी चाबी लाओ ना, इसको खोलो, 35 इसमें से निकालो ना तो 10 नीचे वाले में से निकालने। पापा ने कहा पहले काम खत्म करो फिर अपनी ड्रामेबाजी करना जाके। अभी यार मैट्रेस वाली दुकानों में जा रहा हूँ, कोई मैट्रेस शैट्रेस चेक करते हैं। ऊपर बैठो और नीचे कमर रखो, यूजिंग में बहुत कंफर्टेबल है, आपकी बैक को सपोर्ट के लिए बेहतरीन चीज है। ये पॉकेट फिलिंग है,
सही, ये भी ये अच्छा है, ये मेहरान कंपनी का बड़ा बेहतरीन है, ये आपको मिलेगा तकरीबन कोई 45,000 रुपए का। ये वाला यार एक फोम में देखे ना, तो दूसरा वाला जो है स्प्रिंग वाले में भी चेक कर रहे हैं। ये वाला जो है ना गाइस, ये फाइनल पसंद आया, काफी अच्छा है, इसके अंदर मेमोरी फोम वगैरह तो काफी अच्छा लग रहा है। ये मेमोरी शीट है, उसके पास ये नहीं होगी, गदा खोल के चेक करें। अच्छा, उसे कहो मुझे गदा खोलो, गदा चेक करो, अगर तो मेमोरी शीट ये लगी तो फिर वो मेमोरी है, नहीं तो वो आपको दे रहा दूसरा वाला सादा वाला गदा, मेमोरी करके दे रहा उनको फटा। पाकिस्तान में कोई चीज लेनी बड़ा मुश्किल काम है, एक बंदा कहता है दूसरे की चीज खराब है, दूसरा बंदा कहता है पहले की चीज खराब है। अपनी यार डिस्को अभी मैंने वॉश करवाई थी, इसको लेने आ गए। पहले उस दुकान पे गया था जिसने फॉर्म मैट्रेस दिखाए थे ना, उसके बाद उसने मेमोरी फॉर्म वाला दिखाया था जो मुझे पसंद आ गया था, उसने मुझे रेट दिया 47,500। जब दूसरे वाले के पास मैं रेट लेने गया वो कहते 54,500। अब 54,500 वाला कहता है कि जो 47,500 वाला आपको बता रहे ना वो आपके साथ दो नंबर ही कर रहा है, ऊपर फैब्रिक उसने कोई और चढ़ाया हुआ, अंदर फॉर्म उसके कोई और, बड़ा ही कंफ्यूज कर दिया मुझे। अब जो है ना इस मसले का हल सिर्फ मेरे लाहौर वाले मामू निकाल सकते हैं, उन्हें कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू, मसला हो गया है। मामू दोनों ही कह रहे हैं हमने रोजा रखा हुआ है, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या कह रहे हैं? अच्छा लो जी, मामू के कहने पे सीधा कंपनी के आउटलेट पे ही हम आ गए, इधर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा दोनों को छोड़ो तीसरे से लो जाके, अब इधर देखते हैं क्या। उधर फ्रंट पे नहीं पड़ा, स्टोर में पड़ा है, बस स्टोर में चेक करने जा रहा हूँ। जो उधर चेक किया था ना ये वही चीज इधर से भी मिल गई, ठीक हो गई। ये वाला बस मिल गया है, बस ये वाला ले लिया। ये देखो यार मेमोरी फोम वाला फॉर्म ले लिया, 65,500 का था, मामू ने डिस्काउंट करवा के 57,500 करवा दिया। फॉर्म मैंने भिजवाया हुआ था वो रक्षा वाला लेके पहुंच गया, मैं खुद मार्केट में ही फंस गया क्योंकि इधर लड़ाई चल रही है अभी तक। वो छोड़ दे यार भाई, मुझे जाने दे। पापा मैंने मैट्रेस भिजवाया रिक्शे पे, वो उतरवा ले उससे। A few minutes later फॉर्म उधर घर पहुंच गया था, तो मैंने कहा यार घर जाने का फायदा नहीं, इधर प्लॉट पे आके पहले अपना काम शाम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कल मैं इधर आया नहीं था ना। ये वाली जो सीढ़ियां है ना बाहर वाली बेसमेंट में जो आ रही है, ये कल लगवाई है, इसके ऊपर भी अभी यार कुछ खरीदना है, या तो इधर पत्थर लगेगा या तो वुडन स्टेप लगेगा ऊपर। इधर भी यार बस हर कमरे में जाके देख रहा हूँ कोई पेंडिंग काम वगैरह तो नहीं रहता, अगर रहता तो वो भी मैं कल के दिन में करवा लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने इस साइड पे बिल्कुल नहीं आना। सुबह बस मैंने कारपेंटर को साइड के ऊपर बुलाया कि आके दरवाजों की कुंडियां लगाई ना, उसके बाद जो है वो फिर मेरी तरफ से ईद पे जाए। कोनों में जिधर जोड़ उसने लगाया ना उसकी तरफ भी फेंक के देख ले के कहीं पे पानी तो नहीं नीचे जा रहा, कोने से जा रहा है ना हल्का सा नीचे, कोने वाली तरफ है ना। इधर देखो ये सिलिकॉन उस बंदे ने नहीं लगाई, इस वजह से अंदर पानी जा रहा है, उससे मैं कहता हूँ आके इसको भी काम को अपना फाइनल करे। पाइप मैंने इधर खुला चला दिया, मैंने कहा देखें यार अगर कहीं से पानी और जा रहा है या नहीं। इधर से भी बिल्कुल हल्का सा डॉट डॉट आ रहा है, इधर से भी डॉट डॉट आ रहा है, उधर तो सिलिकॉन उसने भरी नहीं है ना, उधर से ज्यादा आ रहा है। करने को ये काम मैं भी करवा सकता हूँ, इसको बंद करवा सकता हूँ, लेकिन यार मेरा काम नहीं है बंद करवाना, जिसने पैसे लिए उसका काम है। ये जिधर जिधर से पानी जा रहा है ना जॉइंट में से, वो खुद ही आए सिलिकॉन भरे, अपनी तसल्ली करके बंद करे इसको। टाइम गाइस अभी 5:48 हो गया, आधा घंटा रह गया इफ्तारी होने में, तो अभी यार घर ही चलता हूँ, अपार्टमेंट जाने का टाइम नहीं, उधर इफ्तारी नहीं हो सकती आज। भाई साहब काफी टाइम से इस ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, ट्रैफिक बिल्कुल ही रुक रुक के चल रही है, टाइम भी अभी 6:02 हो गए और मुझे लग नहीं रहा कि हम इफ्तारी तक घर पहुंचेंगे। कोई अगर हमें इफ्तारी रोड पे ही करवा दे तो करवा दे, नहीं तो घर पहुंचेंगे, कोई आसार तो नहीं नजर आ रहे। देखो इतनी देर बाद ट्रैफिक चली और बस इतनी सी ही चली है। 10 years later मैं तो इधर चलो ट्रैफिक में बिल्कुल ही फंसा हुआ हूँ ना, साथ साथ मैं अपना फोन यूज कर रहा था, तो ये देखो आगे जो है ना मैं आगे ही देख रहा हूँ कब से कि फुल डेड ब्लॉक ट्रैफिक है, जिसमें मैं पीछे अपने देखा ना, मेरे तो पीछे भाई बंदा ही कोई नहीं है यार, अकेला मैं इस ट्रैफिक में लगता है कि आखिर में खड़ा हूँ। आगे तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक काफी टाइम से नहीं खुलनी, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया मुझे इधर खड़े हुए। गाड़ी को मोड़ता हूँ वापस और दूसरी तरफ चलता हूँ, वापस गाड़ी मैंने इस तरफ मोड़ दी, अब इस तरफ आगे कहीं पे चलते हैं इफ्तारी करने। 5 मिनट ही सिर्फ रह गए इफ्तारी होने में, तो जो चीज पहले आएगी ना उधर इफ्तारी कर लेंगे, उसके बाद मैंने घर भी जाना है क्योंकि मैंने सुजुकी वाले को बुलाया हुआ है कि उधर से बेड और मैट्रेस उठाना है ना और वो छोड़ना है उधर अपार्टमेंट के अंदर। आज ही मैंने गाड़ी धुलवाई है और गाड़ी का एंड तक तुम लोग हशर देखना क्या हो जाता है इतनी मट्टी में। परसों गए सुंदर के घर इफ्तारी करने गया था, वो रोड पे ही, अगले दिन भी रोड पे ही और आज भी ट्रैफिक में फंस गए, तो आज भी रोड पे ही है। कोई बात नहीं, रोड जो है बिल्कुल ही खाली हो गई, अकेला लगता है मैं ही रोड के ऊपर रह गया हूँ। बस अंदर अभी चलते हैं कुछ खाने को लेके, आप अंदर से अंदर जाके यार कोई डोनट शोनट ले लेते हैं, इज्जत वाला करते हैं। अजान गाइस हो चुकी है, वो अंदर लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, ऊपर भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, हम अपने डिस्को में बैठ के खाना खाएंगे। अभी मैंने लिए हेजल नट डोनट, ये चेक करो यार सीखने से का यमी। टाइम देखो यार 7:08 हुए हैं और अब हम घर पहुंचे। मामा से भी पूछ लेना इफ्तारी करवाएंगी कि इधर से ही जाओ वापस। इफ्तारी करवाएंगी कोई नहीं, जाना किधर था, मैट्रेस सामने पड़ा हुआ है, बेड अंदर पड़ा हुआ है, मैंने किधर जाना था, मैं तो उधर रश में फंस गया था आज, मैंने इफ्तारी भी कोई नहीं की। अब जो है खा लो अल्लाह का शुक्र करके। गाइस इधर अभी मैं चेक करवाता हूँ, मुझे और सुंदर को फारिग करके इधर न्यारी बर्गर रैप ये बनाया किसके लिए भाई साहब? मुझे पता था ना तुमने नहीं जाना, ये सारा मैट्रेस वगैरह इधर ही पड़ा हुआ। अब यूँ करो मैंने तुम्हें अफतारी तो अच्छी दे दी है, अब ये मैट्रेस नया मुझे दे दो।
मुझे अपने वाला नहीं ना अच्छा लगता। क्या याद रखेंगी, मैट्रेस आप रख लेंगे गाइस, हम दूसरा मैट्रेस ले लेंगे, हमें कोई मैट्रेस का मसला तो कोई नहीं। चलो बस यार खाना खाते हैं, सुजुकी वाला आने वाला होगा अभी खाने में ना, अभी रैप खाऊंगा। रैप गाइस मामा ने बड़े मजे के बनाए हुए हैं, रैप है, चिकन है, सैलेड है। ये जो नया वाला मैट्रेस है ना वो हमने इन्हें दे दिए, तो उधर जो नया वाला बेड पड़ा हुआ है वो बेड तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, नहीं। थैंक्स। मैं तो यार गाइस बड़ा ही थक गया था, बस नहा के फ्रेश हुआ हूँ, बस अभी सुजुकी वाला बाहर आ गया, सामान वगैरह लोड करवाता हूँ उसमें। सुजुकी आ गई, ये मैट्रेस है, अभी इसको लोड करेंगे, फिर बाकी बेड भी लोड करते हैं, वो बाकी चीजें करें, मैं तकिया वगैरह अपने साथ ले जाता हूँ। जी गाइस सुजुकी फुल लोड हो गई है, अब सीधा चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। गाड़ी मोड़ लेना बस, आ जाए पीछे पीछे आ जाए। गाड़ी वाले को मैं कहता तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गाड़ी वाला कहता है नहीं सर आप मुझे रास्ता समझाएं तो आप मेरे पीछे पीछे आए, कि रात का वक्त है कोई गाड़ी में से सामान ही ना निकाल ले। गाड़ी वाला यार खुद बड़े मुश्किल रास्ते से लेके आया, वो कह रहे जिधर तक मेरा जंगला है ना उधर तक तो हमें अलाउड है, जो उसके ऊपर बेड निकल गया ना अगर वो पुलिस वाले ने देख लिया ना तो वो फाइन काट देगा, तो वो पता नहीं किधर किधर से घुमा घुमा के लेके जा रहा है। फाइनली गाइस 2,500 साल के बाद इधर हम पहुंच गए, इधर ही यार चौकीदार को मैं इधर कहता हूँ कि मुझे कोई बंदा देना जो इधर सफाई वगैरह कर दे अपार्टमेंट की, तो बस अभी अंदर ऊपर ही जा रहा हूँ। लाइट्स ऑन करें। असल में मसला ये कि इस टाइम पे ना कार्गो लिफ्ट वगैरह जो है ना बंद है, तो उन्होंने कहा कि अब आपको सीढ़ियों से ही लाना पड़ेगा, तो सारा सामान यार बेचारे सीढ़ियों से ऊपर ला रहे हैं, सारा सामान इस तरह जा रहा है ऊपर। मैं ऐसे इधर उधर घूम ही जा रहा हूँ, जो खुद तकिए लाए हूँ वो मैं गाड़ी में छोड़ रहा हूँ। तकिए निकालता हूँ, ये जिम का सामान पड़ा हुआ है, अभी इसके बाद स्विमिंग करने जाना है। बाकी सारी चीजें अंदर आ गई, खाली वो मैट्रेस उसमें रह गया, तो बाकी यार ये जो एंट्रेंस लॉबी में ना पहले ये वेटिंग एरिया वगैरह नहीं बना हुआ था, अभी इन्होंने वेटिंग एरिया वगैरह भी बना दिए इधर, किसी सब्सक्राइबर फैमिली को ही ना दे दे इधर रहने के लिए, की कोई लाहौर कराची फैसलाबाद से अलकोट वाली तरफ से आए तो इधर आके रह लिया करें। वैसे ही तकिए याद रखना यार अलमारी में रखिए, मेरी अपनी याददाश्त बहुत बुरी है। मुझे खुद जो पर्सनली पसंद है ना, मुझे ये वाली जगह बहुत पसंद है यार, ये बालकनी खुला है, इधर सुबह पूरा व्यू आता है। लेकिन यार अभी पहले से जो है ना थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो इसलिए यार इस बालकनी को भी हमने सेटअप करना है, इसका भी कुछ सोचते हैं क्या करना है। एक जमाने में यार इधर मैंने ड्रिंक्स लेके रखी थी, ये इन लोगों को ड्राइवर वगैरह को खिला देते हैं, बड़ा मुश्किल काम है यार नीचे से सारा सामान उठा के ऊपर लेके आना। अभी देखो ना जब से मैंने लिया हुआ इधर से कोई सफाई वगैरह नहीं हुई, तो फ्लोर भी गंदा हुआ हुआ, ये वुडन फ्लोर वगैरह देखो यार कितना गंदा हुआ हुआ। चौकीदार से मैंने बात कर ली, उसको मैंने कहा यार मैं कल आऊं मुझे कोई बंदा दे सफाई करने के लिए, कहते सर बेफिक्र हो जाए आप कल आए तो डीप क्लीनिंग वगैरह इस जगह की होगी। मैंने कहा यार तू चाबी रख ले, कहते सर चाबी रखने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन आप जिस वक्त आएंगे आपके सामने सफाई बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी, तो एक दफा इधर सफाई वगैरह हो जाए ना तो फिर हिसाब लगाएंगे कि टीवी किधर लगाना है, सोफे किधर लगाने, डाइनिंग टेबल मामा के लिए किधर लगवाना है, एक दो दिन में सारे का ना हम सेटअप बदल देंगे। फिर मामा पापा वगैरह सुंदर को बुला के ना कोई जबरदस्त इफ्तारी करेंगे, इधर मैं मेन बंद कर दिए, जैसे कोई चिप्स वगैरह लेते हैं ना, और फिर चलते हैं आगे जिम। तो भाई फिर मैं सुबह आऊंगा तो फिर वो कल कोई बंदा दे दें सफाई के लिए। नहीं एंट्री करवाएं, टाइम देखो यार ऑलरेडी 11:05 हो गए, पूल भी यार गाइस अच्छा रखा लिया हमारे लिए। आए यार मजे का गर्म पानी, आए आए करते हैं स्विमिंग आधा एक घंटा। टाइम अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, कल सुबह 11 बजे जो है ना मैंने कारपेंटर को भी साइड के ऊपर बुलाया। आज थोड़ी देर जाते हैं स्टीम रूम के अंदर। ओए होए 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 भाई साहब इसमें आपको आपका भाई किधर नजर आएगा, पता नहीं नजर आ रहे या नहीं। सुबह यार कारपेंटर को भी अपार्टमेंट में बुलाया हुआ है कि आके अपना बेड फिक्स करे। मॉल भी यार इस वक्त बंद हो चुका है, सारा मॉल खाली हो गया। मैं बताया था कि कारपेंटर को भी सुबह 11 बजे मैंने उधर अपार्टमेंट में बुलाया हुआ है कि आके अपना बेड फिक्स करे, तो बंदा दूसरा सफाइयां वगैरह करेगा, उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे कि फर्नीचर वगैरह क्या रखना है, टीवी शीवी हर चीज का सोचेंगे। और इस वक्त यार टाइम आप लोगों के सामने ही है कि 12 बज गए, इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस घर जाके सो सकता हूँ, उसके बाद उठ के सैरी कर सकता हूँ। तो इस नोट पर मैं एंड करना चाहता हूँ आज का ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके लाइव भी नहीं होगी, कोई नहीं इसमें। रोज मैं तंग आ जाती हूँ खाना बना के, तुम्हें पसंद ही कुछ नहीं आता, आज तो बैंगन ही खाओगे। मुझे भी तो कुछ बोल लेते। तुम किधर आओगी? जिधर तुम होगे मुझे क्या पता। टाइकून शेख साहब के पास जगह ही इतनी है ना कि समझ नहीं आ रही किधर आने, तुमने अपार्टमेंट में आना। शेख महल